यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बड़ी खबर हल्द्वानी से। जिला अस्पताल में आज से ओपीडी शुरू हो गई है। सुशीला तिवारी अस्पताल में ओपीडी शुरू हो गई है। सभी विभागों की जो ओपीडी है वो शुरू हो गई है। कोविड 19 के नियमों का इसमें पालन करना होगा। ओपीडी शुरू होने से जो कुमाऊं के मरीज हैं उनको राहत मिलने वाली है, क्योंकि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है और कुमाऊं के जो लोग हैं वो हल्द्वानी आते हैं इलाज के लिए। विनोद हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, बड़ी राहत, जिला अस्पताल में ओपीडी शुरू हो रही है आज से। देखिए राजीव, ये राहत की बात है और हल्द्वानी में अब जिस तरह से ओपीडी शुरू हो गई है और कोरोना संकट काल के दौरान जिस तरह से एक तमाम स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रही थी, लोगों को दिक्कतें हो रही थी, उसके लिए राहत की बात है। और करीब ऐसे 7 महीने गुजर गए हैं, अब अस्पतालों में ओपीडी की व्यवस्थाएं अब शुरू हो गई है, राहत की बात जरूर है। और जिस तरह से अब लगातार उत्तराखंड में कोरोना संकट काल चल ही रहा है और ऐसे में देखते हुए लोगों की भी परेशानी को देखते हुए ये ओपीडी शुरू की गई है, तो राहत की बात जरूर है। लेकिन अन्य जो हल्द्वानी के अगर हट के बात करें तो तमाम ऐसे जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर भी ओपीडी की व्यवस्था शुरू कर दी गई है और तमाम ये व्यवस्था कोविड को देखते हुए की जा रही है, जिसमें लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ओपीडी जो सेवा थी वो बंद थी, लेकिन हल्द्वानी में बिल्कुल विनोद ये बात कही जाने लगी थी कि कोरोना के चलते दूसरे बीमारों को तो नजरअंदाज किया जा रहा, तो ऐसे में ओपीडी की शुरुआत एक बहुत बड़ी राहत, क्योंकि हल्द्वानी में सिर्फ कुमाऊं क्षेत्र से ही मरीज नहीं जाते, बल्कि चाहे वो पौड़ी का जो बॉर्डर का हिस्सा है, चमोली का जो बॉर्डर का हिस्सा है, बड़ी संख्या में यहाँ से भी मरीज हल्द्वानी या रामनगर जाते हैं। तो ऐसे में हल्द्वानी जो मरीज जाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी और राहत की खबर की ओपीडी की शुरुआत हो रही है। तो जिला अस्पताल में आज से ओपीडी शुरू हो रही है। हल्द्वानी से खबर है, सुशीला तिवारी अस्पताल में ओपीडी आज से शुरू हो गई है। आप जा सकते हैं, ओपीडी शुरू हो गई है, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का, कोविड के नियमों का पालन करना आवश्यक है। कोविड नियमों का पालन करना, मसलन आपको मास्क लेकर जाना है, वो लगाना होगा, हर वक्त लगाए रखना है, सैनिटाइजर रखें खुद में, खुद के साथ खुद को साफ करते रहें, हाथ धोते रहें। तो आज से सभी विभागों की ओपीडी शुरू हो गई है। जिला अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल की ओपीडी शुरू हो गई है और बड़ी राहत है, सिर्फ कुमाऊं के मरीजों के लिए ही नहीं, बल्कि पौड़ी और पौड़ी का जो बॉर्डर हिस्सा लगता है अल्मोड़ा के साथ, या गैरसैंण तक का जो हिस्सा है, चमोली बॉर्डर जो है अल्मोड़ा के साथ लगता है, वहाँ से भी मरीज आते हैं हल्द्वानी की तरफ, तो एक बड़ी राहत, लेकिन कोविड नियमों का पालन करना होगा।